हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक ट्रक ड्राइवर ब्लॉग से एक नए से वीडियो में। दोस्तों सुबह का बज चुका है 9 और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। अभी भाई पहुंचे हैं बैजापुर, जो आप लोगों को लास्ट ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, तो जालना भाई पहुंचे थे वहीं पे खाना पीना करे। उसके बाद भाई नाइट में आके भाई बैजापुर सो गए थे चौकड़ी के पास। अभी भाई कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं और आपको रास्तों का व्यू दिखाते हैं और देखते हैं भाई आज अनलोडिंग होती है गाड़ी या नहीं। बाकी भाई व्यू आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। ये देख सकते हो दोस्तों, यही रोड है जो भाई आगे जाके एक्सीडेंट हुआ था हमारी गाड़ी का। आप लोगों को अगर याद होगा दोस्तों, 1 महीने पहले आज से पूरा, तो वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो के साथ बन रही है। दिन में भाई एक्चुअल में पहली बार मतलब इधर जा रहे हैं ना, इसी वजह से भाई को आपको दिखा रहे हैं। और पीछे में थोड़ी गाड़ी ख़राब हो गई थी, वही सेल्फ प्रॉब्लम भाई हो। और बाकी भाई किशोर भाई अपने किशोर भाई गुड मॉर्निंग। तो भाई वो 5 घंटा बोल रहे हैं जाने के लिए लगेगा, घोटी साइड में जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा अगर मैंने बताया भी होगा। बाकी भाई ये रोड पूरा का पूरा अभी साफ ही है, सुबह का टाइम है। और इधर का व्यू देख सकते हो आप। हॉर्न बजाओ, बताना भाई हॉर्न की आवाज कैसी लग रही है आप लोगों को। यार मतलब भाई हॉर्न का आवाज चेंज हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। और अभी भी भाई 150 किलोमीटर सफर हमें तय करना है। बाकी ये सीनर से भाई अपना घोटी के लिए जाएंगे हम। एक बार नींद हमें खुला था तो ये नदी पार कर रहे थे। देखो ये नदी हम पार कर रही है आगे। आगे ही शायद भाई पॉइंट है जहाँ पे अपना छोटा मोटा बोल सकते हो जो भी है भाई एक्सीडेंट। ध्यान में भी नहीं आ रहा है भाइयों। हाँ यहाँ पे हुआ था भाई एक्सीडेंट, यहीं पे मतलब अपना भाई छोटा सा एक्सीडेंट आप बोल सकते हो, यहीं पे हुआ था। एक जो भी पीछे लगा हुआ था और मतलब रास्ता भाई पहचानने में भी थोड़ी भाई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलो जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद नहीं दिलाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक जो बिगा हुआ था भाई रास्ता बनाने के लिए। दोस्तों घोटी यहाँ से 110 किलोमीटर का सफर और बाकी है हमारा। यहीं पे भाई अपने सागर भाई से मुलाकात हुई थी, नाइट का टाइम था, आप लोगों को भाई देखा नहीं होगा। तो इधर पड़ता है कोपर गांव और इधर से मुंबई जाने के लिए शायद रास्ता है, नहीं मुंबई नहीं सीढ़ी शायद आएगा भाई रास्ता, बोर्ड पे मारा हुआ था भाई, भूल गए अपन। और इधर अपना कोपर गांव, अपना सागर भाई का घर। बाकी भाई देख सकते हो यहाँ का व्यू। अपन भाई मतलब सीढ़ी के पास में ही है चौक पे। तो दोस्तों अपन आ गए हैं भाई सीढ़ी, यहाँ से भाई सीढ़ी 10 किलोमीटर आगे है इस रोड में, लेकिन हमें जाना पड़ेगा भाई सिग्नल से इधर से भाई राइट मार के चौकड़ी से। और ये झगड़े फाटा भाई बोलते हैं इसको, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, नहीं तो अपन को क्या मालूम।
11 किलोमीटर भाई बोर्ड मारा हुआ है वहाँ पे सीडी का, और अहमदनगर भी भाई यही रास्ता लेकर जाएगा 100 किलोमीटर अहमदनगर। हाँ राइट राइट। पूरा का पूरा भाई रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो अपना 6 लेन बन रहा है भाई वो मेन मुंबई टू नागपुर वाला। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाले भाई सीनर पहुंच गए, अपन देख सकते हो भाई व्यू सीनर का, और यहां से अपन मारेंगे लेफ्ट और इधर ही से भाई रास्ता जाता है घोटी के लिए, वहाँ का भी व्यू आपको दिखाएंगे। पहले यहाँ से अपन रेलवे मारते हैं कॉट ऑफ फॉर्मा। और यहाँ पे मूर्ति बना के भाई बेच रहे हैं सब। और यहाँ से भाई वो दाहिना मरना पड़ेगा नासिक जाने के लिए, हालांकि कुछ दूर पर जाके यहाँ से लेफ्ट मारेंगे हम। दोस्तों देखो नासिक का बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, संगम नर पुणे जाने के लिए सीधे चला जाएगा रास्ता। भाई वो आप देख रहे हो भाई सीनर का व्यू, यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर अपना नासिक होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन को घोटी जाने के लिए भाई लेफ्ट मारना पड़ेगा और मुंबई जाने के लिए। देखो गाड़ियाँ मुड़ रही है सभी, और ये सीधे नासिक लेके जाता है रास्ता, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो। औरंगाबाद तो भाई अपन वापिस औरंगाबाद बहुत बार घूमे हैं, लेकिन ये एक नया रोड और नया रास्ता आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो भाई एक बोलने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। कितना रश चल रहा है ना, कितना रश चल रहा है, जाम पतला रोड है ना इसी वजह से। अहमदनगर जाने के लिए, पुणे जाने के लिए संगम नहर, नासिक इधर, सापुतारा इधर, और मुंबई और घोटी इधर जाने के लिए रास्ता। पढ़ लिए किशोर भाई, घोटी दोस्तों और 50 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। तो भाई ये देख सकते हो भाई व्यू पूरा का पूरा भाई पहाड़, वहाँ पे एक मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों और यहाँ पे कुछ इस तरह का भाई पहाड़ों का नज़ारा देखो भाई, एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे देखो भाई पवन चक्की लगा हुआ है भाई, वो सुने हम की वहाँ इसे भाई मतलब पढ़े थे भाई किताब में कहीं, इसे भाई बिजली तैयार होती है, बिजली का प्रोडक्शन होता है भाई। बाकी आप कमेंट करके बताना है सच है या नहीं, क्योंकि जितना तक मेरे को जानकारी है भाई ये पवन चक्की इसका नाम है, और बिजली का प्रोडक्शन इसे किया जाता है हवा की मदद से, जैसे वो पवन की चक्की चलती है। हाँ तो भाई आग लाइव भी देख लिया हमने, चलो। और बाकी ये टांगा जाता हुआ पूरा का पूरा भाई घाट थोड़ा बहुत पार करना पड़ेगा, 50 किलोमीटर की दूरी, और घोटी 46 किलोमीटर लिख रहा है भाई वो यहाँ पे।
नया रास्ता और नया व्यू होगा। देखो पूरा का पूरा घाटी, और इधर से भाई पूरा का पूरा डाउन है, उधर से भाई केवल चढ़ने का है। भाइयों घाट में भी ओवरटेक, यार गजब है भाई, घाट में भी नहीं छोड़ते हैं लोग ओवरटेक का पूरा भाई रिसर्च ही कर लेते हैं कि ओवरटेक करेंगे या नहीं करेंगे। बताओ यार, उधर से चढ़ान है, ऊपर से घाट में भाई ओवरटेक कर रहे हैं, चलो क्या करें यार। बाकी सब एक नया लुक आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, तो लाइक करते रहिएगा वीडियो को। और इधर का भाई व्यू देख सकते हो, मुंबई दोस्तों अपने घोड़ी से भाई मुंबई 150 किलोमीटर का सफर रह जाता है, और वापी भाई वापी यहाँ से 200 किलोमीटर। हाँ, तो कुछ इस तरह का व्यू भाई, पूरा पहाड़ी पहाड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। और भाई वो 16 किलोमीटर घोड़ी यहाँ से है। जो मुंबई टू नागपुर हाईवे बन रहा है, देखो भाई वो यहाँ से निकाल रहा है वो रोड, और इस साइड से भाई बन रहा है पूरा का पूरा 6 लेन रोड। जिस दिन भाई वो चालू होगा उस दिन भाई मजा आ जाएगा ना रोड बनने में। पूरा का पूरा भाई घाट लेवल कर दे रहे हैं यहाँ पे लोग, ना चौड़ा चौड़ा भाई बन रहा है ना रोड, या वो इसका जवाब ही नहीं है कोई। पहले का रोड और अब का रोड में देख फर्क देखना भाइयों। तो भाई सब टूर के सीधे निकाले, आ ऊपर ऊपर ब्रिज कर दी। जस्ट भाई घोटी अपने गोडाउन के पास अभी, और हालांकि हमें 2 किलोमीटर भाइयों पीछे ही रहना है घोटी से। तो अभी भाई दोपहर का भाई 1:30 बज चुका है, और भाई पहुंच गए अनलोडिंग करने के लिए, जहां पे भाई अनलोडिंग करना है घोटी। और दिखाते हैं भाई बैक कैमरा से व्यू, तिरपाल वगैरह सब कुछ खोल के कंप्लीट कर दिए अनलोडिंग होने के लिए गाड़ी, और अपना लक है भाई, नहीं तो 5 मिनट आते तो भाई अनलोडिंग हमारी होती नहीं गाड़ी। पूरा भाई तिरपाल खोल के रख दिए, अब अनलोडिंग करेंगे लोग। भाई यहाँ पे धूप बहुत कड़क हुई थी, वही है तेज। यहाँ से भाई 2 किलोमीटर आगे घोटी पड़ता है अपना, जो मुंबई वाला रोड होता है भाई, और नासिक टू मुंबई जो रोड जाता है, तो खाली करने के बाद शायद उसी रोड से हमें जाना पड़ेगा। 30 किलोमीटर यहाँ से नासिक पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं भाई कब तक अनलोडिंग होती है। और भाई वो खाना का क्या करे किशोर भाई, खाना पीना? खाना लगा। घाट पार करते करते किशोर भाई थक गए। तो भाई वो ये पर्दा यहाँ पे टांग चुके हैं क्योंकि भाई धूप ना है। बाकी भाई ये गाड़ी हमसे भाई 5 मिनट बाद आई, नहीं तो हमारे नंबर भाई कट जाता इस गाड़ी की वजह से। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, लगभग 900 किलोमीटर का भाई रेंज हम लोग डिस्टेंस जो है भाई पार करके आए हुए हैं यहाँ पे। और खाना भाई शाम को बनाएंगे कुछ। सो दोस्तों अभी शाम का बज चुका है भाई 6:30, और अभी भाई हमें लगा था कि 2-3 घंटे में खाली करके छोड़ देंगे, लेकिन भाई यहाँ पे जल्दी खाली कर नहीं रहे, बोल रहे हैं भाई 8 बज जाएगा रात नाइट में। और बाकी अपने उस्ताद जी अपनी गाड़ी लेकर आए हैं वहीं से, गोंदिया से लेकर आए हो ना उस्ताद जी? हाँ भेज रहे हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पे भाजी वाजी लाते हैं कुछ खाना पीना बनाने के लिए, और
चलते हैं दोस्तों यहीं पे भाई घोटी में अपने गांव के अंदर जाते हैं, सब्जी भाजी घुमाएंगे तो आपको भी यहाँ का व्यू साथ में भाई। वो चलते हैं भी, बोले हैं कि मार्केट है छोटा सा मोटा सा, देखते हैं भाई यहाँ पे क्या मिलता है हमें। आपको भी भाई घोटी का भाई व्यू दिखाना था। बाकी भाई ये अपनी दोनों गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, पूरा का पूरा भाई इलाका पहाड़ी ही पहाड़ी। घोटी का भाई व्यू देख सकते हो, भाजी और राशन हमारा ले लिया भाई पूरा कंप्लीट। देख सकते हो भाई किशोर भाई लेके चल दिए उधर से, और अपन भी भाई लिए हैं देख सकते हो भाजी पूरा। क्या किशोर भाई ये सब कहाँ लेकर जाओगे? जाएंगे गाड़ी में, गाड़ी में जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद सोएंगे, यही काम मस्ती करते हुए यहाँ पे मिलके। तो भाई और ले लिया सब भाजी वगैरह पूरा, और भाई गाड़ी हमारी हो चुकी होगी अनलोड, चलते हैं। और आज बनाएंगे भाई, किशोर भाई आज क्या बनेगा? चिकन भाई, चिकन की सब्जी और रोटी चावल भाई बनाएंगे। चलो दो तीन दिनों बाद भाई बनाने का मतलब टाइम मिला हमें, शायद गाड़ी अनलोडिंग होने की खुशी में भाई खाएंगे आज। चलते भाई गाड़ी के पास, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई अभी शाम का भाई 8:30 हो चुका है, और सब कुछ भाई मतलब मार्केट से भी जैसे चिकन वगैरह सब कुछ खरीद के लाया, सब्जी वगैरह, तो भाई यहाँ पे खाली करके और भाई चले गए भी गए थे लेबर लोग सब कुछ लोग, तो यहाँ पे भाई कांटा पिट्टा करवाए, कांटा वगैटा करवा के भाई यही गोडाउन पे खड़े हो गए हैं। बाहर लगे भाई सुबह में अनलोडिंग कर देते जल्दी से, तो हम लोग भाई चले जाते हैं लोडिंग करने के लिए, माल था भाई वापी का नासिक से, और भाई जो भी होगा वो सुबह मतलब लोडिंग करेंगे माल और नासिक से भाई वापी का। तो अभी भाई जा रहे हैं चिकन बनाने के लिए जो भाई लाए हैं खाने के लिए। अभी भाई फिलहाल चावल बैठा चुके हैं, और अपन भाई कांदा वगैरह सब कुछ काट के किशोर भाई रख चुके हैं यहाँ पे। तो भाई यही मतलब जल्दी से चावल बनने के बाद भाई आराम से खाना पीना मतलब करेंगे, उसके बाद वीडियो को लास्ट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो दोस्तों ये रहा आधा किलो चिकन, और ये भाई जा रहे हैं भाई बनाने, इसके अंदर फ्राई करने पूरा। तो भाई हम लोग का चिकन बन रहा है, और दोस्तों चिकन जा रहे हैं डालने इसके, और डालने गर्दा बनेगा ना चिकन भाई, एकदम ये आ गया दोस्तों इसके अंदर चिकन, और इसी में डाल देंगे नमक, पूरा घिस लेगा नहीं ना, रुक तो इसको पूरा फ्राई चलाएंगे, फ्राई करेंगे हर बार कितना हो गया पूरा पूरा भेजेंगे इसके अंदर। और दोस्तों बनने के बाद भाई बात करते हैं आपसे, चावल बन चुका है ऑलरेडी, रोटी पकाना भाई बाकी है। तो भाई अपना भाई चिकन बन के हो गया रेडी, एक देख सकते हो भाई व्यू, और अपने किशोर भाई काट रहे खाना। ये भाई आ गया सलाद अपना, कांदा और भाई काकड़ी का, और यहाँ पे रोटी, और इसमें बना है चावल। तो ये है भाई आज का हमारा नाइट का खाना। किशोर भाई इसका टेस्ट तो दोस्तों खाना करते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो भाई वो पूरा का पूरा भाई खाना पीना हो गया कंप्लीट, अभी भाई 10:30 हो चुका है नाइट का, और भाई वो जा रहे हैं सोने, सो के भाई आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगा भाई क्या लोडिंग कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई।